नहीं सकता कहीं खुल के, क्योंकि अगर बोलते हम अपने समाज में किसी को बताते हैं यार हम पत्नी पीड़ित हैं तो समाज हम पे हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये मतलब मर्द नहीं है, ये इसको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिस वजह से। अरे भाई ये हर दूसरे तीसरे घरों में प्रॉब्लम है पर कोई कहता नहीं है। मेरे कुछ यार दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं पर समाज के सामने कहने से कतराते हैं। इस वजह से कतराते हैं कि लोग बाग इस पर शक की निगाहों से देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही 376 में भी हो रखा, 376 आप देख लीजिए कजावला वाला। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं संबोधन से पहले ये कहना चाहूँगा कि हर पुरुष अत्याचारी नहीं और हर महिला बेचारी नहीं, ठीक है। क्योंकि आज के समाज में हो क्या रहा है कि औरतों के लिए जो कानून बनाए गए हैं ना उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है। जैसे 498 है, 125 है डोमेस्टिक वायलेंस है और 376 है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो 498 है दहेज का जो मुकदमा जो दर्ज होता है उसमें हमारी माता का नाम भी लिखवा दिया जाता है, हमारी बहन का नाम भी लिखवा दिया जाता है, हमारी बुआ का और चाची का। अब होता क्या है कि 498 के मुकदमे में इस जो पीड़ित महिला है जो झूठा मुकदमा करती है उसकी सुनी जाती है और जो महिलाएं जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी नहीं सुनी जाती हैं। क्यों नहीं सुनी जाती है? क्या वो महिला नहीं है? ठीक है। और इसी तरीके से 125 का जो मुकदमा होता है उसमें बेचारे पुरुष के ऊपर ज़बरदस्ती एक मेंटेनेंस बांध दिया जाता है कि भाई ये पुरुष है इसको तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? आज के टाइम में महिला और पुरुष बराबर हैं तो फिर पुरुष के ऊपर ये जाति क्यों होती है? औरत के ऊपर क्यों नहीं? औरत भी बराबर की हिस्सेदार है समाज में, पूरा वर्चस्व रखती है। क्यों उनको क्यों नहीं बोला जाता कि मेंटेनेंस देने के लिए? पुरुष भी ऐसे जो बेरोजगार होते हैं और उनको नहीं बोला दिया जाता। अब हमारे समाज में क्या प्रथा चल गई है? एक्सट्रोशन, पैसे का एक्सट्रोशन। इनमें इवेंचुअली होता क्या है 498 के मुकदमे में या जो हमारे जो मतलब जिस तरीके से मुकदमे लगते हैं 498 है जो शादी में विवाद उत्पन्न होता है उसमें फाइनली बात क्या आती है? पैसों के ऊपर बात आती है। पैसा मांगा जाता है औरत की तरफ से पुरुष से। क्या ये दहेज नहीं है? गलत है ये, बिल्कुल गलत है। इवेंचुअली होता क्या है? पैसों की डिमांड होती है। जी 50 लाख रुपये दे दो, हम तो तलाक दे देंगे। क्यों दे दोगे जी? 50 लाख रुपये आप कमा के रखे गए थे, 50 लाख रुपए आपके पिताजी कमा के गए, आपकी माताजी कमा के देके गई हमें। जब लड़की लड़का देखने जाते हैं जब तो बोला जाता है कि जी लड़का कितना कमाता है, लड़के की मतलब जायदाद कितनी है, लड़के की संपत्ति कितनी है, जब वहाँ दहेज नहीं देखा जाता। और आज के टाइम में 498A का इतना मिसयूज़ हो रहा है, इतना मिसयूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा मिसयूज़ 498A का ही हो रहा है। मैं मानता हूँ, देखो औरतों का सम्मान मैं भी करता हूँ, मेरे घर में भी माताएँ बहनें हैं, ठीक है। परंतु आज के टाइम में औरतों द्वारा इस कानूनों का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से पुरुष बेचारा बहुत मतलब दयनीय स्थिति हो गई है उसकी। वो बोल भी नहीं सकता कहीं खुल के, क्योंकि अगर बोलते हम अपने समाज में किसी को बताते हैं यार हम पत्नी पीड़ित हैं तो समाज हम पे हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये मतलब मर्द नहीं है, ये इसको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिस वजह से। अरे भाई ये हर दूसरे तीसरे घरों में प्रॉब्लम है पर कोई कहता नहीं है। मेरे कुछ यार दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं पर समाज के सामने कहने से कतराते हैं। इस वजह से कतराते हैं कि लोग बाग इस पर शक की निगाहों से देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही 376 में भी हो रखा, 376 आप देख लीजिए कजावला वाला ये मैटर है। इसमें मैं मानता हूँ, देखो वो मरी है बेचारी, मेरी संवेदना उस औरत के साथ है, बट जिन लड़कों ने शराब के नशे में, उन्हें नहीं पता चला होगा कि गाड़ी के नीचे कोई लेडीज़ है, पता भी चला होगा तो चलो मरी। पर हमारी मीडिया, हाँ आप अन्यथा ना लें मेरी बात को, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारी मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा ना लें। मीडिया उस विक्टिम को जो मरी है बेचारी उसके ऊपर ज़बरदस्ती पुरुषों के द्वारा रेप का आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। क्यों ज़बरदस्ती कि मारी है, पता नहीं रेप किया है, क्या किया है? अरे सिंपल, वो एक रोड एक्सीडेंट है, लड़की भी ड्रिंक कर रखा था, जैसा उसकी महिला मित्र ने बोला कि उसने भी शराब पी रखी थी और उन दोनों का झगड़ा हुआ था। तो मतलब पुरुषों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है संसार में। पुरुष सिर्फ यहाँ आता है, जंतर मंतर पर अपनी बात करके चले जाता है, फिर उसके बाद सरकार ना तो उस पर ध्यान देती है ना ही को। ऐसे बहुत से सांसद हैं, बहुत से विधायक हैं जिनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं और बहुत से जजेस भी हैं जो बेचारे प्रताड़ित हैं मतलब महिलाओं कानूनों से। तो मेरा तो मानना है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए जहां हमारी आवाज़ सुनी जाए। 125 में मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही खर्चा दे, औरत भी दे, या तो इसको खत्म। अच्छा एक चीज़ मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि 125 और घरेलू हिंसा दोनों एक ही केस हैं, मेंटेनेंस की केस होते हैं, पर खर्चा देना पड़ता है पुरुष को और दोनों की सुनवाई करने पुरुष को जाना पड़ता है हर दो दो तारीख पर। या जब एक ही चीज़ है, एक ही हुआ तो एक में कर दो, मर्ज कर दो, खर्चा बस खर्चा है तो खर्चा मिलना चाहिए।
अगर महिला को ज़रूरत है तो उसको मिलना चाहिए, अगर पुरुष को ज़रूरत है तो पुरुष को मिलना चाहिए। ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसके बहाने से ही औरत क्या करती है, 125 का मुकदमा लगा देती है और ख़र्चा मिलता रहता है उसको, वो अपने घर पर बैठ के आराम से मज़े लेती रहती है। ठीक है।